सो मच, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके सुपर ब्लॉग। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो मैं बताऊंगा कि व्हाई डू आई चूज इनोवा क्रिस्टा एज माय फर्स्ट कार। तो चलते हैं सबसे पहले एक अच्छे लोकेशन पे, फिर वहां से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। गुड टू गो, सेफ्टी फर्स्ट, सीट बेल्ट लगा लेते हैं। लोकेशन आज का, आई होप आपको लोकेशन अच्छा लग रहा होगा जिस तरह हमने हमारे गाड़ी को यहाँ लाके खड़ा कर दिया है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि क्यों इनोवा क्रिस्टा ही चुना। देखिए, मार्केट में तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, जैसे आपका अर्टिगा हो गया, मराजो हो गया और लॉजी, पर मुझे एक बैलेंस कार चाहिए था जिसमें सब हो, फीचर्स में वो अच्छा हो, बैलेंस्ड हो, पावर में हो, कम्फर्ट में हो, लुक्स में हो। सो यही फैक्टर्स को देखते हुए मैं गाड़ी सर्च करने लगा, कार चुनने लगा। जितने भी कार्स मैंने देखे, किसी में, हर किसी में कुछ ना कुछ खामी थी। ऐसा नहीं, इसमें भी है, सब में कोई कंप्लीट नहीं होता, सब में खामी होती है, पर जो मेरे नीड्स थे वो मुझे इस कार में अच्छे लगे, तो इसीलिए मैंने फाइनली डिसाइड किया कि इनोवा क्रिस्टा लेते हैं। मैं खुद से बता रहा हूँ, मेरा ओन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि गाड़ी सही में बहुत अच्छी है, ना ही ये पावर में लैग करती है, ना ही कम्फर्ट वाइज मैं अपने कार से जमशेदपुर से पूरी गया हूँ, मुझे कोई कंफर्ट के इशू नहीं आया कि नहीं मेरे लेग्स पे पेन है या कहीं और है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता, तो इस गाड़ी में भी एक जो मुझे डिसएडवांटेज बोल सकते हैं आप, ऑफ रोडिंग इस गाड़ी में होगी नहीं, और ऑब्वियसली MUV है तो ऑफ रोडिंग ना ही सही, पर जिस तरह का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पर ऑफ रोडिंग का मैं आपको बताऊं तो एक जो मुझे एक इशू लगता है, वो लगता है इसके जो शॉक एब्जॉर्बर है उससे आवाज आने का। जब भी ये कोई गड्ढों से या फिर बहुत बड़े पोर्ट होल से गुजरती है तो पीछे से थोड़ा आवाज आता है, जो कि इसके शॉक एब्जॉर्बर से आवाज आता है ये। तो ये चीज मुझे एक चीज जो अच्छी नहीं लगी, बाकी इस गाड़ी में मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगा। ये 1 ईयर हो रहा है मेरा इस गाड़ी का, सो इस 1 ईयर में इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि नहीं मैं गलती कर दिया इस गाड़ी को लेकर। तो ये पॉइंट है कि मुझे बिल्कुल भी कभी अफसोस नहीं हुआ कि नहीं ये गाड़ी लेके गलती कर दिया। जनरली होता है ये चीज लोगों को कि गाड़ी ले लेने के बाद वो फील करते हैं कि नहीं मैंने गलती कर दी ये गाड़ी लेके। सो ऐसा कभी मुझे फील नहीं हुआ। यही थे कुछ कुछ बातें जो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा था, और बाकी देखिए आपका मन। और सबसे पहला बात, एडवर्टाइजमेंट में मत जाइएगा, आप जाके टेस्ट ड्राइव लीजिए गाड़ी का, पसंद आए तो लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये आपके लिए सही है, आपके जो जितने रिक्वायरमेंट्स को पूरी करती है, तो ही लीजिए आप। आई होप गाइस आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। If you like the video, then please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon for our future notification. Till then, bye bye, take care and keep smiling.